हमारा पाला नई चीज से पड़ा है। हाँ, जैसे विजन का कंप्यूटरी दिमाग। एक मशीन से? तो क्या वो मायने नहीं रखता? नहीं, अगर एक इंसान हथौड़ा उठाए तो अलग बात। हाँ, हमारे लिए नियम अलग है। वो अच्छा है पर इंसान नहीं। थैंक यू। वो हथौड़ा चला सकता है इसलिए वो माइंड स्टोन रख सकता है। विजन के पास वो सुरक्षित है और आजकल सुरक्षा कम ही मिलती है। पर अगर हम हथौड़ा लिफ्ट में रख दे तो वो लिफ्ट ऊपर जाएगी और लिफ्ट तो उसके लायक भी नहीं। हमें ये बातें बहुत याद आएंगी। तो फिर जा क्यों रहे हो? जाना तो होगा ही। पिछले कुछ सालों में सामने आने वाला माइंड स्टोन चौथा तिलिस्मी पत्थर है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई बहुत पेचीदा खेल खेल रहा है और हम सबको प्यादा बनाकर रख दिया है। और एक बार ये सारे मोहरे अपनी जगह ले लें, लॉटरी लग जाएगी तो तुम इस राज से पर्दा उठा पाओगे। हाँ, क्यों नहीं। बस इस आदमी के अलावा और कुछ भी इतना पेचीदा नहीं है। इस बंदे को बिल्कुल कदर नहीं है बगीचे की। मुझे वो बड़ा याद आएगा और तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा। आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। तुम मुझे वाकई बहुत याद आओगे टोनी। वो तो है। ओ, लगता मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। मुझे क्लिंट से कुछ सीख लेनी चाहिए। सोच रहा हूँ पेपर के लिए घर बनाऊं, बस उसे कोई उड़ा ना दे। आराम की जिंदगी। तुम्हारे भी दिन आएंगे। पता नहीं, परिवार, घर गृहस्थी, जिसे ये सब चाहिए था वो तो 75 साल पहले बर्फ में दफन हो गया। शायद कोई और निकला बाहर। सब ठीक है ना? मैं यही खुश हूं।